सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को माय न्यू ब्लॉग पार्ट टू में। तो पार्ट वन में थोड़ा गड़बड़ आ गया था, इसलिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। तो चलिए, हम पहुंच गए हैं रिवर में। ये देखिए, ये दूसरी तरफ का रिवर है और ये आदमी बैठ के फिशिंग कर रहा है, जो कि ये अलग तरह की है। ये देखिए, फिशिंग रॉड जैसा ही है, लेकिन ये जो रोप है वो बहुत बड़ा होता है। इस पे लपेटा होता है और यहाँ पे गाड़ दिया था, और वहाँ जो हुक होता है वो पानी में डाला हुआ है। जब फंस जाएंगे तो ये खींचने लगेंगे, तो उनको समझ में आ जाएंगे कि ये फिश आ गया है, तो खींच के उठा लेंगे बाहर। ये देखिए, 6-6 लगाया गया है यहाँ। वो देखिए, रोक चारा डाल के पानी में छोड़ दिया। और ये देखिए, चारा होता है, ये कुछ सड़ा गला चीज़ रखा है यहीं पर। ये आदमी मज़े से बैठा है, मतलब वेट कर रहा है, घात लगा के बैठा है। यहाँ पर उनका कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले आया हो, अभी फिश नहीं मिला है मुझे। तो चलिए हम दूसरी तरफ देखते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, मुझे काफ़ी सारे फिश मिल गए हैं। मेरा एक दोस्त था, सब्सक्राइबर भी है वो मेरा, तो उससे मिला। वो फिश पकड़ने आया था, तो उसके पास काफ़ी बड़ा जाल था, तो उसने छोटा फिश मुझे दे दिया और बड़ा फिश वो ले लिया। इस तरह करते करते काफ़ी सारे फिश मिल गए हैं मुझे, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और इसका हालत भी ख़राब हो चुका है, काफ़ी गर्मी है, इसीलिए ये लोग मर रहे हैं फिश। तो कुछ ज़िंदा है, तो हम इसे जल्दी से घर लेके जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे एक्वेरियम में छोड़ के। तो चलिए, मिलते हैं घर में। ये देखिए, हम घर आ गए हैं और ठंडा पानी में डाल दिया है इसको, थोड़ी देर हुआ है। ये देखिए, काफ़ी सारे फिश मर गए हैं, लेकिन और भी ज़िंदा है, तो जल्दी से हम इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए, हमने छोड़ रहे हैं, बहुत आराम मिल रहा होगा इनको। ओह माय गॉड, बहुत सारा फिश मर गया है दोस्तों, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। जब मुझे मिला था तब मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन आते आते देखा कि कई सारे फिश मतलब उल्टा हो गया है, तब मेरा दुख बढ़ गया है। ये देखिए, पीछे एक डॉट बना हुआ है इस फिश का, कौन से फिश से है मुझे नहीं मालूम। रिवर है, रिवर से लाया है ये। तो दिखाता हूँ आप लोगों को एक एक करके। ये देखिए, काफ़ी सारे फिश मर गए हैं। थोड़ा ऑक्सीजन दे देता हूँ, ऑक्सीजन के कमी की वजह से मर रहा होगा शायद, थोड़ा ऑक्सीजन डाल देता हूँ। ओह माय गॉड, काफ़ी सारे फिश मर गए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कितना अच्छा फिश है, कितना ब्यूटीफुल है, सिल्वर कलर का है। ओह माय गॉड, ये अगर जिंदा होते कितना अच्छा लगता है एक्वेरियम के अंदर, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मर गया। ये देखिए, सारे के सारे मर गए हैं। इस तरह के फिश पहले भी लाया था, बहुत छोटा था, लेकिन एक्वेरियम के अंदर रहते रहते वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो रहा, वो देखिए, पूंछ पर एक डॉट बना हुआ है, दिख रहा है शायद आप लोगों को। वो बहुत दिन पहले लाया था उसको, छोटा भी था बहुत, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन मैं लाया हूँ उससे भी बड़ा बड़ा। ये देखिए, बहुत दुख हो रहा है मुझे, काफी सारे फिश मर गए हैं। और कुछ स्नेल्स लाया हूँ, ये देखिए कितना बड़ा साइज है इसका, देखिए, और इसका ऊपर का पैटर्न देखिए, काफ़ी यूनिक लग रहा है, मतलब दिखता है लेकिन कभी कभी, और छोटा छोटा दिखता है। और ये क्या है, ये आप लोगों को शायद दिखा होगा, जानते होंगे, लेकिन इतना छोटा मिला है मुझे एक, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, शायद आप लोगों को ठीक से दिखाई भी नहीं देगा हो शायद, इतना छोटा है ये, एकदम छोटा है, इसलिए मैंने लेकर आया हूँ यहाँ। इसके लिए अलग से सेटअप बनाएंगे, बहुत सारे स्नेल्स रखेंगे उसमें, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मिल जाए आप लोगों को।
और ये देखिए ये सारे के सारे मर गए हैं। मेरा तो रोना आ रहा है, काश सारे के सारे जिंदा होते हैं और एक्वेरियम में छा जाता, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होता। लेकिन क्या करें, मर गया तो छोड़िए, जो जिंदा है उसे एक्वेरियम के अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिए हम स्नेल्स को उठा लिया है और ये इतना छोटा भी है कि आप लोगों को शायद दिख ही नहीं रहा होगा, इतना छोटा छोटा भी है, काफ़ी छोटा छोटा भी है। और सिर्फ एक तरीके का नहीं, तीन तरीके का स्नेल्स मिला है मुझे, जो कि बाद में दिखाएंगे आप लोगों को, इनका सेटअप बनाएंगे। और ये देखिए हमारा रिवर फिश एकजुट होके घूम रहा है, झुंड बना के, कुछ ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ऊपर भी चला गया है, शायद उसमें से एक मर जाएंगे क्योंकि उसका हालत बहुत ख़राब है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा है वो, वाह कितना सुंदर नज़ारा है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। वो देखिए पुराना वाला, वो सबसे पुराना है इस एक्वेरियम के अंदर, और मौली के साथ ही डाल दिया हूँ। और ये देखिए मुझे दो सिम्स मिले हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, तो हम इसे इस एक्वेरियम के अंदर छोड़ेंगे। ये देखिए चला गया। एक और भी है इस तरीके का, लेकिन वो अंदर घुसा हुआ है उसके अंदर, तो शायद ये ढूंढ लेगा उसको। ये देखिए वो ये अभी भी घूम रहा है, ये उस जगह को नहीं जानता है, मतलब इधर उधर घूम रहा है। तो इसने जब अपने साथी से मिलेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, और अगली बार जब हम रिवर में जाएंगे तो मैं खुद फिश पकड़ूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए इसने क्या कर दिया, छोटा सिम्स जो था उसको ये खा लिया है। वो देखिए, ओ नो, ये क्या कर दिया, अरे 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 जा, ओ माय गॉड, हमारा वाइट वाला जो कोई है वो उसने खा लिया है।